Yes, Mr. Ramu. It's evident from the way you tweet about every little thing that comes your way. From your take on Mukesh Ambani's money, stereotyping about women and wives, Chuck Norris's jokes on the internet, and the latest political affairs like Ramdev Baba's past against corruption. Huh. And now, after your endless opinions about everything, ab Ramu ka interest Hindu mythology ki taraf palat gaya hai. Ramu's critical comparison on Lord Shiva with some psycho father in Taliban who killed his son is just ridiculous. What the heck? Ye kuch Hindus ke sentiments ke against nahi ja raha. लॉर्ड शिवा पे कमेंट करके उनको एक विलन की तरह पिक्चराइज किया है क्योंकि वो अपने खुद के बेटे को नहीं पहचान सके और उसको मार दिया. This is also a flop like your movies, which are not just lame but boring too. Hey yo. खैर, इसे ही तो RGB कहते हैं. I don't understand why the person who told Ramu this fact didn't ask him to actually go and read about it. इससे रामू को लॉर्ड शिवा की और थोड़ी नॉलेज मिल जाती और जो रामू को कुछ भी कमेंट करने से पहले दो बार सोचने पे मजबूर करती. सबसे पहले हमें ये बताओ कि किसने रामू को कहा कि एलिफेंट राक्षस होते हैं. कम ऑन, एक छोटा हाथी का मासूम सा बच्चा राक्षस कैसे हो सकता है रामू? कहीं रामू इसमें अपनी कोई फिल्म का एस्पेक्ट तो विजुअलाइज नहीं कर रहे है ना, जहाँ हर स्टोरी में एक ना एक राक्षस होना जरूरी है. रामू, इसलिए मैंने कहा कि आप अगर कुछ हिंदू माइथोलॉजी के बारे में पढ़ लेते तो कुछ तो पता होता. अब ऐसी जनरल नॉलेज से मूवी बनेगी तो फ्लॉप ही तो होगी ना. फाइनली, लॉर्ड शिवाज इनसाइट हैज रियली डन अस अ फेवर बाय लीविंग आरजीवी विद नो इनसाइट, बट वी आर श्योर लॉर्ड शिवा नोज बेटर. एट लास्ट, रामू की ट्वीट्स की आग ने लॉर्ड शिवा को भी नहीं छोड़ा. अब सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, गॉड्स भी डरना जरूरी है.